was na bangor de pach surya ya te gugi hogi sar sar sar. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. आप सब कैसे हैं? आई होप यू आर डूइंग वेल. हम भी एकदम ठीक है. तो आज हम जा रहे हैं चूड़धार. तो ये है सूर्यांश. ये सूर्यांश के लंबे लंबे बाल. इसका नाम मैंने तेरे नाम रखा हुआ है. क्लैपिंग करो. ये बना दिए मैंने सूर्यांश के बाल. देखो कितना क्यूट सा लग रहा है ना ये. तो यहाँ से होती है मेरे ब्लॉग की शुरुआत. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा. ये हम निर्वा से काफ़ी आगे निकल गए थे. ये एक जगह आती है जहाँ की जब बारिश हुई थी उस टाइम कितना नुकसान हुआ है साक्षात. सूर्यांश औरन देला कैसे देता औरन हॉर्न कैसे देती दी और मैं गाड़ी चला ले सूर्य हैं हेलो पहुंच गए थे मुंडा. मुंडा पहुंचते ही हमने सबसे पहले खाया खाना. हमारे को लगी थी बहुत ज़्यादा भूख. तो ये भी मैंने बाद में बनाया हुआ है. तो ये लड़ रहे थे कि कौन सा सामान कौन उठाएगा क्योंकि यहाँ तक तो गाड़ी जाती है. इसके बाद हमारे को पैदल यात्रा करनी थी. ये मैं सूर्यांश. अरे छुड़ाओ. सुमन तार ज्योति सबसे सुंदर है. कहा था के पीछे ये बकरे वाले है. मम्मी कहे तो अच्छा चल रहा है. बहुत अच्छा चल रहा है. बिल्कुल ना तो जब चूड़धार जाते हैं ये बीच में एक जगह है जिसका नाम है खड़ाच. तो यहाँ सब लोग चाय पीने रुके थे. देख सकते हैं आप ये लोग कितने दूर हैं. मैं आ गई थी ऊपर. बहुत ज़्यादा चढ़ाई है इधर से भी. मैं भी वीडियोग्राफर. हम फाइनली उस वाले पॉइंट पे पहुंच गए थे जहाँ से चूड़धार के लिए बिल्कुल सीधा था. हम पहुंच गए थे घोड़े के पास. इसको घोड़े क्यों कहा जाता है इसके पीछे एक स्टोरी है कि इसको सतयुग में श्रापित किया गया था इसलिए कहा जाता है इसको. जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये चारों साइड नीचे अनाज डाला हुआ है लोगों ने क्योंकि ये भगवान को अर्पित करते हैं इसलिए डालते हैं कि भगवान जी को बोलते हैं कि ये सब कुछ आपका दिया हुआ है. ये पहुंच गए थे हम फाइनली चूड़धार. तो ये था नाइट का व्यू. उस टाइम थी ठंड तो हमने सोचा कि इसके बाद जाते हैं रूम में. तो चलो चलते हैं रूम. ये बैठे हैं सब लोग. ये है कपिल जी. आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा. यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, देन शेयर कीजिए. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में. तब तक के लिए बाय बाय. टेक केयर.